खातिनों हज़रात, आज आपने बड़ी डिटेल में बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स और बार ट्रेनिंग बार ट्रांसफ़र टेस्ट के बारे में गुफ्तगू की, बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू थी। हमारे लर्नड स्पीकर्स जो थे हमारे साथ, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए और उन्होंने हमें बहुत सी वजाहतें दी जो कि बहुत ज़रूरी थी मेरे ख्याल से उन सारे एस्पायरिंग लॉयर्स के लिए जो कल को बार एट लॉ करना चाहते हैं या यूके जाना चाहते हैं इसको प्रसू करने के लिए। तो इंशाल्लाह आगे भी हमारा ये सिलसिला, ये सीरीज़ अंडर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी जारी रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो अगला प्रोग्राम है उसमें हम फॉरेन एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें अपना, जिसमें हमारा मास्टर्स प्रोग्राम आ जाता है, LLM आ जाता है डिफरेंट ममालिक में, डिफरेंट कंट्रीज़ में जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं स्कॉलरशिप्स LLM के लिए, तो हम उसके ऊपर फोकस रखेंगे। अपने आज की इस गुफ्तगू को कंक्लूड करने से पहले मैं, क्योंकि हमारे जो बैरिस्टर करीमुल्लाह सरार साहब हैं उन्होंने मास्टर्स इन लॉ भी किया हुआ है, वो LLM सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से उनके LLM है, तो बड़ा ब्रीफली मैं गुजारिश करूंगा सर आपसे कि आप LLM के ऊपर जो डिफरेंस है बार एट लॉ और LLM का, उस पर काइंडली हमें लाइट शेड कर दें ताकि हमारे अगले प्रोग्राम में हमें थोड़ा सा आसानी होगी उसके ऊपर गुफ्तगू करने। थैंक यू सर। बेसिकली जो मेन डिफरेंस है दोनों के दरमियान वो ये है कि LLM एक एकेडमिक प्रोग्राम है और आपकी, अगर आप एकेडमिकली जो है वो अपना करियर की प्रोग्रेशन चाहते हैं या एकेडमिक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप LLM की तरफ जाइए, और अगर आप जो है वो वैसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं लॉ तो उसके लिए बेहतर है कि आप बार एट लॉ करें। हाउएवर अब जो है वो एक प्रोग्राम ऐसा भी आ गया हुआ है जिसमें जो है आप दोनों इकट्ठे कर लेते हैं, आप बार एट लॉ के साथ साथ ही LLM भी कर लेते हैं और वो एक ही डिग्री आपको मिल जाती है, क्योंकि पहले बार एट लॉ सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता था, नाउ इट यू हैव एन ऑप्शन टू गो फॉर एन LLM एज़ वेल। LLM का एक फ़ायदा ये है कि अब जिस तरह से मैं टीच करता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में तो उसके अंदर वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर आप एकेडमिक साइड पे जाना चाहते हैं तो आप जो है वो LLM कीजिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब मैं लिटिगेशन करता हूँ या वैसे अपनी जो है वो एडवाइजरी प्रैक्टिस करता हूँ तो उसके अंदर मुझे बार एट लॉ का फ़ायदा होता है। सो ये एक मेन डिफरेंस है बिटवीन द टू। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर करीमुल्लाह सरार साहब, और यही सवाल मैं मज़ीद पूछूंगा बैरिस्टर सैयद नागरा साहब से। सर, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन बार एट लॉ एंड LLM? सर, डिफरेंस यही है जो है, जैसे बैरिस्टर करीम ने ये बताया कि बेसिकली LLM दैट इज़ एन एकेडमिक डिग्री, बार एट लॉ जो है वो एक प्रोफेशनल जो है वो क्वालिफिकेशन है। यू आफ्टर कम्प्लीटिंग दैट, ये एक एडवोकेसी से रिलेटिंग आपकी क्वालिफिकेशन है। और दूसरा थोड़ा सा LLM पे मैं इसमें कर दूँ कि LLM जो बेसिकली है वो आपके रिसर्च स्किल्स जो हैं वो उनको पॉलिश जो है वो बेसिकली करता है, बिकॉज देर इज़ एक्सटेंसिव रिसर्च इन्वॉल्व इन जो है व्हेन यू आर डूइंग योर मास्टर डिग्री इन लॉ और एनी मास्टर प्रोग्राम, ठीक है। दूसरा, LLM जो है वो ऑफर होता है, LLM जनरल भी होता है और LLM किसी आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में कर रहे हैं, मसलन कंपनी लॉ में कर रहे हैं या कॉर्पोरेट लॉ में कर रहे हैं, बास कत व्हेन यू आर डूइंग इट जनरली तो उसमें चार पांच सब्जेक्ट्स, छह सब्जेक्ट्स वो ह्यूमन राइट्स, जैसे आप LLM कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो, ह्यूमन राइट्स का भी रख सकते हो, कंपनी लॉ का भी रख सकते हो, जो है बैंकिंग लॉ का भी रख सकते हो, यानी कि इट्स अप टू यू कि आपने क्या चूज़ करना है, कि नंबर ऑफ़ ऑप्शन आर बीइंग गिवन टू यू और आपने उसमें से चीज़ें जो हैं वो सिलेक्ट करनी होती हैं। तो ये आपको LLM का जो है वो एक फ़ायदा होता है, जैसे करीम ने बताया कि ये आपकी रिसर्च एबिलिटीज़ को जो है वो बहुत ही बेहतर करता है, क्योंकि आप LLM में आप रिसर्च भी कर रहे होते हो, आपने डिसर्टेशन या ऐसे करना होता है, डिपेंड करता है कि आप LLM कौन सा कर रहे हो, तो उसके लिहाज से ऑफ़र होती है कि आप ऐसे करें या डिसर्टेशन करें, ठीक है। तो और दूसरा, अगर आपने पढ़ाना है तो आपको एक जो है, क्योंकि आपको एक एक्सटेंसिव नॉलेज जो है आपने ड्यूरिंग योर LLM जो है वो स्टडीज़ जो है आपने किया होता है तो वो होता है। बीइंग ए बैरिस्टर बार ट्रांसफर वो आपकी एडवोकेसी स्किल्स कोर्ट्स में है, तो वो आपने कोर्ट्स में उस चीज़ को जो है ना वो आपने उन स्किल्स को जो है वो बुरेकार लाना होता है। तो बेसिक डिफरेंस जो है वो यही है
LLM वो एक एकेडमिक रूट है, वो आपने एक एकेडमिक आपकी चीज़ों को बेहतरी के लिए होता है, रिसर्च एक जो है वो आपकी बेहतर होती है, एडवोकेसी में आपकी ट्रेनिंग होती है बीइंग ए बैरिस्टर कि आप एक अच्छे एडवोकेट कैसे बन सकते हैं, निगोसिएशन टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, तो वो सारा वो उस चीज़ को डील करता है। और मेरे ख्याल से वन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी डूइंग मास्टर डिग्री इन लॉ, ही मस्ट डू इट, ही मस्ट अवेल दैट चांस। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर Saeed Daga Saab for your very valuable input, and Barrister Karimullah Sara. Ladies and gentlemen, I believe that we were able to put up a show where we actually made some difference, where we actually, our learned speakers, they came up with clarifications about BTT, about BPTC, and they've offered, this very committee, Continuing Professional Development Committee, has offered their generous help to the aspiring lawyers who are aspiring to be a barrister in future. So usse is program ko inshallah hamari koshish hogi ki hum apne agle aane wali series mein apne agle aane wale programs mein aur different legal topics ke upar baat kare, aur jo hamara iske baad wala inshallah taala hamari series ka jo agla program aayega hamari koshish hogi ki usme LLM ke upar mazid guftagu ho, kyunki hamare bahut se aise aspiring lawyers hain, aspiring leaders hain hamare लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, हमारे DPS के, जो कि LLM परसू करना चाहते हैं। तो आखिर में, क्योंकि आज हमारा ये इंट्रोडक्टरी सेशन था, तो मेरी गुजारिश होगी हमारे तमाम स्पीकर से कि वो बड़ा ब्रीफली अपना जो आज के इस शो के बारे में उनकी राय है वो हमारे ऑडियंस तक ज़रूर पहुँचाएँ। सबसे पहले बैरिस्टर Saeed Daga Saab। सर, मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, और बार मेंबरान की गाइडेंस के लिए जिस तरह का मैं आज के प्रोग्राम के लिए आपसे बात कर रहा हूँ कि BTT जो है, बार ट्रांसफ़र टेस्ट जो है, वो जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं, जो बार मेंबरान इंटरेस्टेड हैं बार ट्रांसफ़र टेस्ट करने में, और अगर वो समझते हैं कि दे आर इन ए पोजिशन टू क्वालिफाई फॉर दैट एग्ज़ाम, they must do it, they must take a step forward, और इस चीज़ को उन्हें करना चाहिए। इसके लिए उन्हें हमारी जितनी असिस्टेंस की ज़रूरत है, हम यहाँ पर विदाउट एनी कंसिड्रेशन हम यहाँ मौजूद हैं उन्हें असिस्ट करने के लिए। दे कैन कॉन्टैक्ट मी और दे कैन कॉन्टैक्ट एनी ऑफ मेम्बर ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटीज टीम, एंड दे आर वेरी मच हेयर टू गाइड ऑल ऑफ देम। थैंक यू सर। मूविंग ऑन टू बैरिस्टर Arisul। थैंक यू तलाब। मेरी बैरिस्टर Saeed Daga से पहली मुलाकात लिंकन्स इन में ही क्वालिफाइंग सेशन के दौरान हुई थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट इज़ ईयर 2015, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि ये आइडिया जो आज हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ये उस वक्त इन्होंने आइडिया मुझे पिचन किया था, एंड ही हैड दिस इन माइंड कि हम इस चीज़ को आने वाले वक्तों में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो है वो प्रेजेंट भी करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ताकि ना सिर्फ हमारे वकला की, यंग लॉयर्स की, यंग स्टूडेंट्स की जो है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ग्रोथ और करियर प्रोग्रेशन हो सके बेसिकली। तो आई एम वेरी हैप्पी एट द फैक्ट कि आज हमने उसको एक अमली जामा पहनाया है, और हम इंशाल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म के तवसत से और इस आइडिया और इनिशिएटिव के तवसत से अलॉन्ग विद ऑल द एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी, इंशाल्लाह ताला वी विल डिलीवर टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। आई बिलीव के हम वी आर ब्लेस्ड पीपल, हमें अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम बैरिस्टर्स बने हैं, और वी हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी एंड टू द कम्युनिटी, टू द लॉयर्स कम्युनिटी। तो इंशाल्लाह ताला अंडर द सुपरविजन ऑफ बैरिस्टर Saeed Hussain Nagra साहब एंड बैरिस्टर Karimullah Sara साहब, वील ट्राई टू द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ के हम जो कुछ कर सकें अपने एम्स एजेंडाज में, इंशाल्लाह ताला उसको मैक्सिमम डिलीवर करें इंशाल्लाह। थैंक यू बैरिस्टर Arisul। बैरिस्टर Karimullah Sara, चेयरमैन ऑफ CPD कमेटी, सो योर व्यूज। थैंक यू सो मच। I would actually like to talk about the objective behind the CPD once again, and that is how I would like to conclude it. So hamara maqsad CPD committee ka ye hai ki without any consideration we assist and help our colleagues as much as possible in their professional development and their career progression, aur usi
को जहन में रखते हुए जो है हम लोगों ने इसको ये इनिशिएटिव लिया है और जो है आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि हम लोगों ने इस तरह से किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सईद नागरा साहब जिन्होंने हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस चीज़ के अंदर, जिन्होंने जो रूह रवां हैं बेसिकली इस तमाम चीज़ के और हु हैज़ बिन वेरी काइंड दैट विदाउट एनी कंसिडरेशन ही वांट्स टू हेल्प हिज कोलीग्स एज मच एज ही कैन. थैंक यू बैरिस्टर करीम लसरा एंड इन द एंड बैरिस्टर तलाल जावेद साहब सर काइंडली शेयर योर व्यूज़ ऑन द वेरी फर्स्ट. मेरे ख्याल से ये कमेटी का आगाज़ बड़े अच्छे नोट पे हुआ है. बड़ा अच्छा आज का सेशन था. ये बड़े लोगों के लिए, बड़े स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा. जो लोगों को समझ लगेगा कि मेन डिफरेंस BTT में क्या है और BBTC में क्या है, ये बहुत अच्छी तरीके से एलैबोरेट किया गया है. अब इसकी तरह होप मेरा ये है कि आगे जा के भी इस तरह काम जारी रखें, ये लोग सारी कमेटी अपना स्टेप्स इस तरह उठाती रहे कि जो लॉयर्स और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी मिसकंसेप्शंस क्लियर करें और उनको सीधा सही तरीके से बताया जाए कि आगे उनके फ्यूचर के लिए बेहतर क्या है और अभी उनके लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल है. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तलाल जावेद बेग साहब. लेडीज एंड जेंटलमैन, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, दिस कमेटी स्टेपिंग फॉरवर्ड टू हेल्प आउट आवर कलीग्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव. And this committee is formed only for you, to help you with your education, to help you with your career progression. And inshallah, we'll have a lot more programs under this very committee. And we are very thankful to Lahore High Court Bar Association, who has given us this platform to be of any kind of help towards our young lawyers. خواتینوں حضرات، ان مشکل حالات میں آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ.